हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज एंटीलोप सर्वाइकैप्रा, जिसे हम ब्लैक बक भी बोलते हैं, हमें उसका आईयूसीएन स्टेटस बताना है। सबसे पहले दिया गया है ए लीस्ट कंसर्न, सेकंड एंडेंजर्ड, थर्ड है क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड फोर्थ द एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की लीस्ट कंसर्न के बारे में, तो लीस्ट कंसर्न वो स्पीशीज की स्टेटस है, स्पीशीज स्टेटस है जिसमें कि स्पीशीज के लॉस्ट होने का कोई खतरा नहीं है। मतलब हम बोल सकते हैं ना तो वो एंडेंजर्ड है, ना तो वो आने वाले टाइम में एक्सटिंक्ट हो सकती है। तो इस करके जो है उस स्पीशीज को लीस्ट कंसर्न का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि इसकी जो है पॉपुलेशन पॉपुलेशन इन दी वाइल्ड स्टेबल होती है, इज स्टेबल। और ये कुछ आने वाले जो है 100 या 500 ईयर्स तक इनकी जो पॉपुलेशन है उसको लॉस्ट होने का कोई खतरा नहीं होता, इसलिए इन स्पीशीज को जो है लीस्ट कंसर्न में रखा जाता है। देन हमारे पास दूसरा स्टेटस दिया गया है एंडेंजर्ड। अब एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी होती हैं? वो स्पीशीज विच हैज बीन कैटेगराइज्ड वेरी लाइकली, जो कि बहुत जल्द जो है एक्सटिंक्ट स्पीशीज में आ सकती हैं, एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, और ये रखा गया है बाय दी IUCN। और जो ब्लैक बक है उसे भी हम एंडेंजर्ड कैटेगरी में लिस्ट करते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में ये भी एक्सटिंक्ट हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे बाकी ऑप्शंस के बारे में। सेकंड सॉरी थर्ड में यहाँ दिया गया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जिसे हम CRB बोल सकते हैं, वो ऐसे स्पीशीज हैं जो कि कैटेगराइज की गई हैं बाय द IUCN, जो फेस कर रही हैं फेसिंग दी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, जो कि बहुत जल्द वेरी हाई रिस्क ऑफ दी एक्सटिंक्शन, जो बहुत जल्द जो है वाइल्ड में वाइल्ड पॉपुलेशन में एक्सटिंक्ट हो सकती है, उसे बोलते हैं हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड। देन डी में आता है हमारे पास एक्सटिंक्ट इन दी वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन दी वाइल्ड स्पीशीज वो स्पीशीज हैं जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, हैज बीन कैटेगराइज बाय दी IUCN, और यहाँ इन स्पीशीज की पॉपुलेशन जो है जीरो है ड्यू टू दी हैबिटेट एक्सटेंसिव हैबिटेट लॉस। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है जो ब्लैक बक है वो क्या है, एंडेंजर्ड है। होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।